बोकारो जिले के मुख्यमंत्री दाल भात केंद्र में गड़बड़ी का मामला सामने आया है। जिले में दाल भात के आधा दर्जन केंद्र संचालित हैं, जहां किसी सेंटर में 400 तो किसी सेंटर में 600 लोगों को महज 5 रुपए में भरपेट भोजन दिया जाना है। लेकिन सेंटर संचालक यहां भी चालाकी दिखाते हुए दाल भात केंद्र की आड़ में अपना होटल चलाते हैं, या फिर केंद्र में दिए जाने वाले भोजन में अतिरिक्त आइटम जोड़कर उसकी कीमत अलग से वसूलते हैं। और इस केंद्र में जिस गुणवत्ता का भोजन परोसा जाता है, शायद उसे जानवर भी नापसंद कर दे। वहीं हैरान करने वाली बात यह है कि दाल भात केंद्र को मिलने वाले अनाज का वितरण 1 महीने पीछे चल रहा है। ऐसे में केंद्र संचालक अपने बूते इस केंद्र को चलाते हैं। क्या क्या मिला है? दाल भात सब्जी। और भी कुछ लिए हैं? ना। और भी कुछ बिकता है यहाँ? बिकता है लेकिन हम खाते नहीं। और कुछ मिलता है? अंडा भी है। अंडा भी है, उसको अलग से पैसा लेते हैं। कितना? 10। हाँ, हम नहीं लिए हैं, हमको पता नहीं है, लेकिन अंडा रखा हुआ है। रखा हुआ है, आप अंडा भी लिए हैं? कहाँ से लाए? ब्लैक है, वो ब्लैक है। ये ब्लैक है, माने अंडा अलग से मिलता है। कितना लगता है अंडा का? 15 रुपया। इन दाल भात केंद्रों में परोसी जाने वाली सब्जी घटिया दर्जे की होती है, तो दाल यहाँ पानी की तरह होता है। वहीं चौंकाने वाली बात तो ये भी है कि इन केंद्रों में 3 से 4 हजार लोगों के भोजन की खपत नजर आती है, लेकिन इन केंद्रों में भीड़ नजर नहीं आती, यानी बिना भीड़ जुटे ही भोजन खत्म हो जाता है। दरअसल यहाँ खाने पहुँचते हैं 50 आदमी और रजिस्टर में 300 लोगों का फर्जी हस्ताक्षर किया जाता है। कुल मिलाकर ये दाल भात केंद्र संचालकों के लिए अब अवैध कमाई का फंडा बन गया है। परेशानी है सर कि सही समय पर चावल नहीं मिलता। क्या चावल अच्छा होता है या घटिया होता है? चावल तो हम लोग देखे हैं, आपका सामने है चावल, वही चावल मिलता है, लेकिन सही टाइम से नहीं मिलता है। 1 महीना आवंटन हो जाता है, उसके बाद मिलता है। कितना लेट से मिलता है? मैंने फिर भी 20 दिन। तो फिर आप कैसे चलाते हैं फिर इसको? हम लोग अपने से खरीद के, बोला गया ऑफिस से खरीद के चलाना है, दुकान सेंटर बंद नहीं करना है। कौन बोलते हैं? ऑफिस से बोला गया। कितने लोग यहाँ खाना खाते हैं रोज? 300-350। क्या क्या खाना खिलाते हैं? दाल भात सब्जी। सब्जी का किस चीज़ का सब्जी होता है? सब्जी कभी कद्दू हुआ, कभी कच्चू हुआ, मिला देते हैं उसमें। लेकिन आपको 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 सरकार से कौन कौन सी सब्जियां मिलती है? सरकार से सब्जी तो हम लोग अपने से खरीद के लाते हैं। मेनू क्या है? मेनू दाल भात सब्जी और अलग से अंडा देते हैं। न्यूज अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। बने रहे लगातार.in के साथ।